आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एकदम मार्केट जैसी पापड़ी चाट की रेसिपी। इस एक ही चाट में हमें खट्टा, मीठा, स्पाइसी सभी तरह के फ्लेवर मिल जाते हैं और ये सभी की फेवरेट होती है। और आज की पापड़ी चाट की रेसिपी में जो पापड़ी यूज होगी उसे भी हम घर पे बनाकर ही तैयार करने वाले हैं। तो फिर चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चाट के लिए पापड़ी बना के तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज का बोल लिया है। अब मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा ली है, इसे हम बोल में डाल देंगे। 1/4 कप मैं इसमें सूजी ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैं इसमें अजवाइन डाल रही हूँ। आप चाहें तो अजवाइन को हल्का सा क्रश करके भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक की मात्रा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मोइन के लिए मैं इसमें 1/4 कप ऑयल डाल रही हूँ। इससे जो हमारी पापड़ी है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार होगी। ऑयल की जगह आप यहाँ पर घी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम ऑयल को भी मैदा और बाकी सभी चीज़ों के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल को मैदा में एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रहें। तो ऑयल मैदा में अच्छे से मिक्स हो गया है। और देखिए, मैं अगर मैदा को इस तरह से मुट्ठी में रखकर प्रेस कर रही हूँ तो मैदा एकदम अच्छे से बाइंड हो रही है, यानी हमने इसमें जो मोइन डाला है वो एकदम परफेक्ट है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक सख्त डो बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत सारा पानी एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो जो हमारा डो है वो पतला हो जाएगा। इसलिए जितना ज़रूरी हो उतना ही पानी डालें। तो मैंने टाइट डो लगा के तैयार कर लिया है और इतना आटा लगाने में मैंने 1/2 कप से भी कम पानी का इस्तेमाल किया है। अब हम इसे ढक्कन प्लेट या प्लास्टिक रैप से कवर कर देंगे और 20 से 25 मिनट के लिए इसे ऐसे ही रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो 25 मिनट हो गए हैं और हमारा डो अच्छे से सेट हो गया है। इसे एक बार और अच्छे से मसल लेंगे ताकि ये अच्छे से स्मूथ और चिकना हो जाए। इसे अच्छे से मसलने के बाद अब हम इसकी बॉल्स बना के तैयार करेंगे। हमें यहाँ पर बड़े साइज की बॉल बना के तैयार करनी है। तो मैंने लोई को अच्छे से गोल और चिकना कर लिया है और हमारी लोई बनके तैयार है। अब हम एक लोई लेंगे और इसे बेल लेंगे। अगर ज़रूरत हो तो आप इस पर थोड़ा सा मैदा भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। हमें इसे एकदम पतला बेलना है क्योंकि पापड़ी को हम पतला बेलेंगे तभी वो क्रिस्पी और क्रंची बनके तैयार होगी। और क्योंकि हम पापड़ी को इसमें से कट करके निकालने वाले हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसे गोल शेप में ही बेलें। आप इस रोटी को किसी भी शेप में बेल सकते हैं। तो मैंने इसे पतला पतला बेल के तैयार कर लिया है। अब हम इसमें से पापड़ी बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर छोटे साइज़ का राउंड शेप का कुकी कटर लिया है। इसकी जगह आप यहाँ पर छोटे साइज़ का ग्लास या कोई ढक्कन भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम कुकी कटर को डो पे इस तरह से रखेंगे, इसे अच्छे से प्रेस करेंगे और इसे राउंड शेप में कट कर लेंगे। अब ये जो लेफ्ट ओवर डो है इसे हम इस तरह से हटा लेंगे और इस मैदा की हम फिर से बॉल बना लेंगे। तो हमने ये जो पापड़ी बना के तैयार की है ये अभी भी थोड़ी थिक है, तो इन्हें हम थोड़ा सा और पतला करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये पापड़ी को ले लिया है। अब हम इसे हल्का हल्का सा थोड़ा सा और रोल कर लेंगे। हल्का हल्का सा रोल करने के बाद अब हम फोर्क लेंगे और फोर्क की हेल्प से पापड़ी के अंदर होल कर लेंगे। होल करने से जो पापड़ी है वो ऑयल में फ्राई करते वक्त फूलेगी नहीं। अब इसी तरह से हम बाकी की पापड़ी बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए, मैंने सभी पापड़ियों को हल्का हल्का सा रोल करके उन्हें फोर्क से प्रिक कर लिया था और हमारी सभी पापड़ियाँ फ्राई होने के लिए रेडी हैं। तो अब हम इन्हें डीप फ्राई कर लेते हैं। डीप फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया है। पापड़ी को फ्राई करने के लिए जो ऑयल है वो मीडियम गर्म होना चाहिए। तो ऑयल मीडियम हॉट हो चुका है। अब हम एक एक करके इसके अंदर पापड़ी डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही पापड़ी को फ्राई करेंगे। यहाँ ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो हमारी पापड़ी जल भी सकती है। जब पापड़ी एक तरफ से सिक जाएगी तो हम उसे पलटकर दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। हमने फोर्क से पापड़ी में होल कर दी थे, इसलिए हमारी पापड़ी बिल्कुल भी फूल नहीं रही है। तो बस ऐसे ही हम पापड़ी को दोनों तरफ से पलट पलट कर तल लेंगे।
हमें इन्हें तब तक फ्राई करना है जब तक हमारी पापड़ी दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन और अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाती। तो अगर आपको एकदम क्रिस्पी पापड़ी चाहिए तो इन्हें ऐसे ही धीमी आंच पर धीरे धीरे फ्राई होने दें। इन्हें फ्राई करने में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। तो देखिए, जो हमारी पापड़ी है वो एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है और क्रिस्पी भी हो चुकी है। अब हम इन्हें ऑयल में से बाहर निकाल लेंगे। तो लीजिए, हमारी पापड़ी बनके तैयार है। अब इसी तरह से हम जो बाकी की पापड़ी है उन्हें भी फ्राई कर लेंगे। तो मैंने सारी पापड़ी बना के तैयार कर ली है और एकदम कुरकुरी सी पापड़ी बनके तैयार हुई है। अब मैं आपको एक पापड़ी को तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो देखिए कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनके तैयार हुई है और एकदम आसानी से टूट रही हैं। तो हमारी पापड़ी भी बिल्कुल रेडी है। अब हम जल्दी से चाट बना लेते हैं। तो पापड़ी को सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पेपर प्लेट ली है। अब हम इसमें इस तरह से पापड़ी को रख देंगे। थोड़ी सी पापड़ी मैं इसमें इस तरह से क्रश करके भी डाल रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर बॉईल किए हुए आलू लिए हैं, उन्हें मैं इस तरह से पापड़ी के ऊपर डाल दूंगी। अब ऊपर से मैं डाल रही हूँ दही। हम यहाँ पर गाढ़ा दही यूज़ करेंगे, पतला दही नहीं यूज़ करेंगे। मैंने दही में थोड़ा सा नमक मिक्स किया था। आप चाहें तो नमक के साथ साथ थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़े से स्प्राउटेड मूंग, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी हरे धनिए की चटनी और थोड़ी सी मीठी चटनी। दोनों ही तरह की चटनी की रेसिपी आप अपने चैनल पर देख सकते हैं, इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा सिका हुआ जीरा पाउडर और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। थोड़े से मैं इसमें चुकंदर के लच्छे डाल रही हूँ। अगर आप नहीं डालना चाहते तो इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी बारीक सेव, ऊपर से डालेंगे थोड़े से अनार के दाने और लास्ट में मैं इसके ऊपर थोड़ी सी किशमिश डाल रही हूँ, ये भी पूरी तरह से ऑप्शनल है। तो लीजिए, हमारी खट्टी मीठी और चटपटी सी पापड़ी चाट बन गई, बिल्कुल तैयार है। लग रही है ना बिल्कुल मार्केट जैसी, और ये टेस्ट में भी बिल्कुल मार्केट जैसी बन के तैयार हुई है। इसे देख के मेरे मुंह में तो भाई पानी आ रहा है, इसलिए मैं तो जा रही हूँ इसे जल्दी से खाने। अब आप भी फटाफट से मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी पापड़ी चाट कैसी बनी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको हमारे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।